हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आज मैं बालों के लिए पैक लेके आई हूँ। अगर आप इस पैक को लगाएंगे तो आपके बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे। और आजकल मानसून का मौसम चल रहा है तो वैसे ही सबके बाल इतने झड़ रहे हैं, किसी किसी के बाल तो बहुत झड़ रहे हैं। मुझे इतने लोग बोलते हैं कि मेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, मेरे खुद के ही बाल थोड़े थोड़े झड़ना शुरू हुए थे। तो ये इस हेयर पैक को लगाती हूँ तो काफ़ी कम हो गए हैं। तो अगर आप इस हेयर पैक को लगाएंगे आपके बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल या फिर थोड़े कम तो आपके हो ही जाएंगे। तो अब चलिए इस पैक को हम शुरू करते हैं। ये पैक मैंने कड़ी पत्ते से बनाया है। कड़ी पत्ते तो वैसे ही आपको पता है कि उसमें विटामिन ई होता है, प्रोटीन होता है, तो ये बालों के लिए हमारे लिए कितने बेनिफिट होता है इसका। तो इसलिए आप इसको खाने में भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और इसका पैक भी आप लगा के इसको यूज़ करें। तो हेयर पैक बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम कड़ी पत्ते को डाल देंगे। तो हम हेयर में लगा रहे हैं इसलिए हमें काफ़ी सारे कड़ी पत्ते चाहिए। तो इस तरीके से इनके डंठल निकाल दें और पत्ते पत्ते बस जार में डाल दें। तो हमने कड़ी पत्ते तोड़ दिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हमारे कड़ी पत्ते का पेस्ट गीला हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा पेस्ट बिल्कुल बन गया है। तो पेस्ट की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। जब हम लगाएंगे तो फिर वो पानी नीचे गिरेगा, तो इसलिए आप कंसिस्टेंसी इतनी ही रखें। अब हमने एक बाउल में निकाल लिया है पेस्ट को। अब हम इसमें एक चम्मच दही डालेंगे। अब हम दही को मिक्स कर देंगे। दही से हमारे बालों में साइन आएगी, फिज फ्री बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हमें इस पेस्ट में ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना, बस कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाना है और इसमें दही ऐड करना है और हमारा हेयर पैक बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इस हेयर पैक को बालों में लगाएंगे। तो बालों में लगाने से पहले सबसे पहले आप बालों में कॉम कर लें और उसके दो पार्टीशन कर लें। तो डिवाइड कर लिए हमने बालों को। अब जैसे हम मेहंदी लगाते हैं हमें बिल्कुल उसी तरह लगाना। आप चाहें तो इसको हाथ से भी लगा सकते हैं और नहीं तो अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश लगा लें और जिस तरह मेहंदी लगाते हैं उस तरीके से आप लगा लें। तो इसी तरह मैं सारे बालों में लगा लूँगी। मैं नीचे के बालों में नहीं लगाऊँगी, बस ऊपर ऊपर आपको लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये वाला पैक आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप ज़रूर यूज़ करें और थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना कम हो गया है। तो आप थोड़े दिन तो यूज़ करें। आपका आप ये मत सोचें कि मैंने एक बार यूज़ किया है तो कुछ हद तक कम होंगे, पर एक बार में कुछ नहीं होगा। आप थोड़े टाइम तक इसको यूज़ करें, उसके बाद ही आप देखें, कम से कम 2 महीने तो आप इसको यूज़ करें, उसके बाद ही आपको फ़र्क पता चलेगा। अब मैंने सारे बालों में कड़ी पत्ते का पेस्ट लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम कवर कर लेंगे बालों पर, क्योंकि ये कड़ी पत्ते का पेस्ट है वो बीच बीच में झड़ता रहता है। थोड़ा सा ड्राई होगा उसके बाद झड़ने लगेगा, तो इसलिए आप किसी चीज़ से कवर कर लें। मैंने इस तरीके से पॉली बैग से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद आप इसको 1 से 1.5 घंटे रखें और उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। तो ध्यान रहे कि पानी गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।